विद्यार्थियों, जीवन शैली के बारे में पूर्व में अपन चर्चा कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। जीवन शैली कब प्रकाश में आई, कहाँ कहाँ इसका प्रसार हुआ, इसका नामकरण कैसे पड़ा आदि पर चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। अब जीवन शैली का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, इस पर आज अपन अर्जन करेंगे। जीवन शैली का प्रसार अहमदाबाद, गुजरात, मारवाड़, मालवा, पंजाब तथा पूर्वी भारत में जौनपुर, यूपी, अवध, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल के अतिरिक्त ब्रह्मा, बर्मा तथा शाम तक इस कला शैली का प्रसार हुआ। इन इन क्षेत्रों में इस कला शैली का प्रचार प्रसार हुआ और जैन शैली के चित्रों में प्रमुख चित्र इस शैली के प्रमुख चित्रों में बसंत विलास 1451 का बना हुआ चित्र ही, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, कल्पसूत्र आदि कई असंख्य चित्र इस कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जैन शैली के चित्रों के प्रकार इस प्रकार हैं। जैन शैली के तीन रूपों में तीन प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है। पहला है ताड़ पत्रों पर बने पोथी चित्र, कपड़े पर बने पट चित्र और तीसरा अंतिम है कागज पर बने पोथी चित्र या फुटकर चित्र। इस प्रकार के चित्र आज भारत, अमेरिका, नेपाल तथा ब्रिटेन आदि के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इस अपभ्रंश की सचित्र पोथियों की बड़ी संख्या जैन धर्म से संबंधित हैं। इस शैली का संविधान देखा जाए तो यह शैली अजंता शैली का भ्रष्ट रूप प्रतीत होता है। यह शैली अपने मूल विशेषताओं को खो चुकी थी, इस कारण इसे अपभ्रंश शैली कहा गया था। अजंता कला के भांति ही जैन धर्म के मतावलंबियों ने कला का और कलाकारों का सहारा लिया था और इसमें भी इस प्रकार की पोथियाँ, पटचित्र, पोती चित्र आदि निर्मित हुए और धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। विभाजन, इस शैली का विभाजन, जैन शैली को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ताड़पत्र वाले ग्रंथ चित्र, यह 1060 ईस्वी से 1485 ईस्वी रुके हैं। कागज वाले ग्रंथ चित्र, यह 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के मध्य के बने हुए हैं। इन ग्रंथों के चित्रों के अतिरिक्त कपड़े पर बने पटचित्र भी उपलब्ध हैं। पहले
समूह के प्रमुख चित्र ग्रंथ में निशित चोणी महावीर चरित कथा रत्नसागर कालकाचार्य कथा कल्पसूत्र आदि हैं जो लगभग 2 इंच चौड़े तथा 2 फीट तक लंबे ताड़पत्रों पर चित्रण तथा लिपि दोनों अंकित किए हुए हैं। दूसरे समूह के प्रमुख चित्र ग्रंथों में कल्पसूत्र जानावना वसंत विलास पांडवचरित रति रहस्य बाल गोपाल स्तुति आदि हैं। इन विभिन्न सचित्र पोथियों का लिपिकाल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य का माना गया है। यह पोथियाँ भारत में आज भी पटना बड़ौदा खंबात अहमदाबाद जैसलमेर के निजी पुस्तकालयों या अमेरिका के बोस्टन स्थित संग्रहालयों में प्राप्त हैं। पटना के ग्रंथ भंडार में निशित चूर्णी की एक प्रति सुरक्षित है जिसका लिपिकाल 1100 ईस्वी पूर्व का है। इसमें जैन शैली के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अंगसूत्र की 3 प्रतियां सचित्र तथा दसवें कालिक की 1 प्रति शांतिनाथ भंडार खंबात के संरक्षण में है। दसवें कालिक की यह सचित्र प्रति 1143 ईस्वी की है। बड़ौदा के समीप एक जैन पुस्तक भंडार में 7 ग्रंथ जो 1161 ईस्वी के हैं संग्रहित हैं। शांतिनाथ भंडार में 1241 ईस्वी की नेमिनाथ चरित और बोस्टन संग्रहालय में 1390 ईस्वी की श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी पाटन के शांतिनाथ भंडार में 1433 ईस्वी का कपड़े पर बना पंच तीर्थपट आदि कई सचित्र पोथियाँ देश विदेश के संग्रहालय में संग्रहित हैं जो जैन कला शैली के लिए अध्ययन के लिए पर्याप्त हैं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा का यहीं तक चर्चा।